सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आप भी क्या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या इंस्टाग्राम पेज के लिए ऐसे जीके रील्स हैं, जो जीके फैक्ट्रीज जो ट्रेंडिंग कर रही है, ट्रेंडिंग में है और वायरल भी जाती हैं रील्स, है ना, तो आप भी इस तरह की रील्स बनाना चाहते हो या देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को दो चीज़ के, दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला है पिक्सल लैब एंड दूसरा है इनशॉट। तो सबसे पहले अपने को प्ले स्टोर में जाके पिक्सल लैब को डाउनलोड करना है। ये पिक्सल लैब ऐसे लिखना है और ये मेरे में डाउनलोड है। तो आपको सिर्फ ऐसे इंस्टॉल करना है और सब कुछ बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पिक्सल लैब में जाना होगा पिक्सल लैब में, यहाँ पे, है ना। और सबसे पहले इसका जो साइज़ अपने को क्या करना है, साइज़ रखना है रील्स का, जो रील टिकटॉक वीडियो होता है उसका साइज़ रखना है। तो सबसे पहले अपने को साइज़ चेंज करना है, इसका साइज़ चेंज करना है। साइज़ में क्या करना है, 1440 एंड 2560, ये साइज़ है इसका, ठीक है। तो उसके बाद एक वाइट PNG बनानी है अपने को। वाइट PNG मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका ये साइज़ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये PNG मिल जाएगी अपने को, ये PNG यहाँ से लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक टेक्स्ट लेना है, आप मान के चलो कोई सा भी टेक्स्ट। तो गाइस जी, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख लिया, फैक्ट है, जो कि मैंने भी इंस्टाग्राम से भी उठाया है कहीं से भी, ठीक है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये है, ये इससे रिलेटेड जो पिक है वो अपने को गूगल से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ, आपको जाने की हैरानी हुई इसके में कि सब कुछ। तो ना जो मतलब इससे रिलेटेड जो भी पिक आपको मिले गूगल पर, वो आप उठा लेना। और उसके बाद यहाँ पर चल के सबसे पहले फ़ॉन्ट को चेंज करना है। मैं इस फ़ॉन्ट को बता दूंगा आपको कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे मुक्ता सेमी बोल्ड ही बोलूँगा कि आप यही यूज़ करें, क्योंकि यही फ़ॉन्ट अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके अलाइन में जाके यहाँ पे ये कर लेना, ये बीच वाले पर, ठीक है, इस पर। तो इसके बाद अपने को ये सब कुछ करने के बाद फ़ॉन्ट का जो कलर है वो अपने को ब्लैक करना है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, ऐसा करना है कि अट्रैक्ट लगे थोड़ा, है ना, ऑडियंस है जो अपनी ऑडियंस अट्रैक्ट लगे, तो थोड़ा ये तभी वायरल होता है, होती है ये रील्स। इसके बाद यहाँ पर इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर चलना होगा अपने को, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाके, मैंने डाउनलोड कर रखी है तो डाउनलोड में जाके यहाँ से आप उठा सकते हो इमेज को, ठीक है। और इमेज को उठाने के लिए यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा टू बैक में ले जाके कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है फोर्थ ऑप्शन पे आना है और कलर पर कर देना है, वाइट कलर करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा नज़र। अब इसको जो आपके जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसको छोटा करना है थोड़ा सा, इसको छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है यार। इसके लिए इसमें कलरिंग करनी है, मैं आपको कलरिंग करके दिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ा अट्रैक्ट लगेगा कलरिंग से। और जो मेन टेक्स्ट होते हैं वो नहीं कलरिंग करना है, ज़्यादा चीज़ को कलरिंग नहीं करना है यहाँ पे, है ना। और आप अपने हिसाब से कोई सी कलर से कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, मैंने ये कर लिया। अब इसके बाद एक चीज़ और को मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे ये इसके लिए एक एरो और यूज़ करें यहाँ पे, है ना। इन दो को मैं इतना बता रहा हूँ, एरो डाउनलोड करना है, मैंने डाउनलोड कर रखा है एरो। तो एक ऐसा एरो ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसा ये एरो यूज़ कर सकते हो। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, ये बन चुका है ना। इसके बाद अपने को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है इमेज, ये इमेज को एक्सपोर्ट करने के बाद आना है अब इनशॉट एप्लीकेशन में। तो इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये न्यू को सिलेक्ट करना है ना। और यहाँ से जो भी इमेज आपने डाउनलोड करी हुई है ये इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा। इसके बाद फिर आपको जाना होगा फ़िल्टर पे, फिल्टर वाले इफेक्ट पे जाने के बाद इफेक्ट आपको ये वाला यूज़ करना है, जो ग्लिच में जाके ये JPEG यूज़ करना है। और इसके बाद इसको थोड़ा कम कर देना है ताकि ये जो है ना दिखे। अब ये देखो, ये अब इसे चला के देखो, दिख रहा है ना, अच्छी तरीके से दिख रहा है सब कुछ यहाँ को एंड वीडियो के एंड तक। हाँ, तो इसके बाद ये सॉन्ग तो आप इंस्टाग्राम से की लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं वो यूज़ करना, उससे भी उसमें वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो।
तो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इंस्टाग्राम से जुड़ी जानकारी, रील्स वगैरह ऐड करने के सब कुछ बताऊंगा मैं आपको मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।